आप तमाम वीडियो देखने वाले व्यूअर्स को साथ सर्वप्रथम प्रातः कालीन नमस्कार। जैसा कि आप लोग जानते हैं अशोकानंद सर के 100 सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं, उसके लिए आप सभी को हार्दिक बधाइयां। अब चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आज के वीडियो में सिंपल प्रेजेंट टेंस से संबंधित हम लोग ट्रांसलेशन को जानेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस से संबंधित किस प्रकार के ट्रांसलेशन आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए टेशेयर कैंसिल द सिंपल प्रेजेंट टेंस रिटेन एंड एक्सप्लेन बाय अशोकानंद द आइकॉनोक्लास्ट। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं हम लोग। तो देखिए संसार में जितने भी तरह के वाक्य होते हैं वो महज 6 रूपों में पाए जाते हैं। फर्स्ट वन पॉजिटिव, तो सेकंड वन निगेटिव, थर्ड वन आप चले तो थर्ड वन होगा यस नो प्लेन, फोर्थ वन जो हमारे होंगे वो होंगे यस नो निगेशन, फिफ्थ वन की ओर चलते हैं तो फिफ्थ वन में आते हैं डब्ल्यू एच प्लेन, और लास्ट वन हमारा होता है डब्ल्यू एच निगेशन। इसकी चर्चा हमने यूज ऑफ इज एम आर के अंतर्गत बनने वाले वीडियो में की है, आप लोग उसे जरूर देखें इसे विस्तार से समझने के लिए। आज हम लोग चलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के ट्रांसलेशन की ओर। तो चलिए देखते हैं, कोई भी ऐसा विद्यार्थी जो इंग्लिश लिखना या पढ़ना या बोलना चाहता हो और उसको अच्छी फी की प्रॉब्लम हो, या वो ऐसा हो जिसको अच्छे मार्गदर्शक या टीचर नहीं मिल रहे हो, तो वैसे विद्यार्थी इस चैनल को सब्सक्राइब करके और इस चैनल को व्यू करके अपने कैरियर को नए आयाम दे सकते हैं, श्रेष्ठता की श्रेणी में स्वयं को रख सकते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पे श्रेष्ठता की श्रेणी में रखने के लिए जो दो बातें होती हैं उसको ध्यान से समझे। आप सबसे पहले तो सेल्फ स्टडी को अपने जीवन में सर्वोपरि रखें। सबसे आवश्यक चीज है एक विद्यार्थी के लिए वो है उसका सेल्फ स्टडी। जब तक आप सेल्फ स्टडी स्वाध्याय नहीं करेंगे, संसार की कोई ताकत आपको लर्न या एजुकेटेड या इंस्पायर्ड नहीं कर सकती। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। दूसरी जो अहम बात है वो एक अच्छे शिक्षक का, अच्छे गुरु का मार्गदर्शन। अच्छे गुरु का मार्गदर्शन के लिए अशोकानंद सर ने अपने 20 साल के कैरियर में आपके अशोकानंद सर देख जो भी अर्जन किए हैं वो आप लोगों के समक्ष देना चाहते हैं, क्योंकि एजुकेशन जो है उसका जो सर्वोत्तम उपयोगिता है वो एक व्यक्ति कर सकता है अपनी मेहनत से जो भी अर्जित किया आने वाली पीढ़ी को समर्पित करके, ऐसा इस मेरा मानना है। आगे क्या है वो आप लोगों पे छोड़ते हैं। तो चलिए हम लोग एक पॉजिटिव का स्ट्रक्चर यानी संरचना देखते हैं। स्ट्रक्चर नंबर वन में आएगा सब्जेक्ट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट, नंबर टू में सब्जेक्ट प्लस वी फाइव प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें नोट करके जो ध्यान देने वाली बात है वो है वी वन का यूज कहां कहां होगा। नोट वन में बताया गया वी वन का यूज, विवन का यूज आई बी यू दे दीज दोज एनी पीसीएस। पीसीएस का मतलब होता है प्लूरल काउंटेबल सब्जेक्ट, कोई भी प्लूरल काउंटेबल सब्जेक्ट के साथ विवन लगेगा। अब नंबर टू नोट टू में देखते हैं वी फाइव, वी फाइव कहां कहां लगेगा, तो वी फाइव लगेगा ही से एट दिस दैट एनी यूएस एनी एससीएस, तो कोई भी यूएस के साथ लगेगा। यूएस का मतलब अनकाउंटेबल सब्जेक्ट और एससीएस का मतलब होता है सिंगुलर काउंटेबल सब्जेक्ट, इनके साथ बी फाइव लगता है। अब चलिए इसका क्लास वर्क के रूप में सी डब्ल्यू के रूप में कुछ एग्जाम्पल सब देते हैं। तो वन में देखते हैं आप लोग अंग्रेजी बोलते हो, तो आप लोग अंग्रेजी बोलते हो एक से अधिक है तो वी वन लग जाएगा,
इस स्ट्रक्चर पे सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे आई, उसके बाद वर्ब रखेंगे टीच, उसके बाद ऑब्जेक्ट रखेंगे आप लोग अंग्रेजी बोलते हो, सब्जेक्ट रखेंगे यू, उसके बाद वर्ब रखेंगे स्पीक और उसके बाद ऑब्जेक्ट रखेंगे इंग्लिश, यू स्पीक इंग्लिश। इसी प्रकार दूसरा बनाएंगे तो मैं भाषा पढ़ाता हूं, तो यहां पे नंबर टू में देखिए सब्जेक्ट है आई, उसके बाद वर्ब हो जाएगा टीच वी वन, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो जाएगा दिस लैंग्वेज। तो ट्रांसलेशन क्या बनेगा, आई टीच दिस लैंग्वेज। इसी प्रकार आगे भी बनेगा, वह जाति है तो ये वह जाति है, केवल वर्ब भी है सब्जेक्ट और वर्ब भी है, तो यहां सबसे पहले शी हो जाएगा वह के लिए, तो यहां शी, उसके बाद वी फाइव लगेगा, शी शेम्स वह गाती है, कितना आसान। लास्ट में फुल स्टॉप देना नहीं भूलिएगा, क्योंकि इसके बगैर सेंटेंस की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसके लिए सर वीडियो बना चुके हैं द सेंटेंस के अंतर्गत, बहुत सारे वीडियो बने, आप उन्हें जरूर देखिए, डिटेल में जानेंगे। अब थोड़ा आगे चलते, वह एक पत्र लिखता है, ही राइट्स अ लेटर। रोहित और चक्रपाणि मैदान में टहलते हैं, रोहित एंड चक्रपाणि वॉक इन द फील्ड। थोड़ा सा आगे चलते हैं, संध्या चाय बनाती है, संध्या मेड टी। नोट ए, जब हिंदी वाक्यों के क्रियाओं का अंत ता हो ती है ते है, ता है ती हू ते हो ती है से हो, तो इनके अनुवाद सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस कहिए या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये दोनों सेम है। और किसी भी वाक्य के अंत में अगर ये सारे होते हैं तो इनका अनुवाद सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत ही होगा। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, बी में हु है तथा वो के लिए इज एम आर का प्रयोग कदापि नहीं करे, यानी भूल कर भी नहीं करे, यानी कभी नहीं करे। अब नोट सी में देखते हैं, आई के साथ अपवाद स्वरूप वीवन का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा कि आई जो है वो एक्सेप्शन केस यहां पे माना जाएगा, क्योंकि आई है सिंगुलर लेकिन ऑलवेज लेगा वर्ब प्लूरल। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, यू के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा, चाहे ये सिंगुलर हो या प्लूरल हो। यू एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमेशा प्लूरल वर्ब अपने बाद लेगा, चाहे वो यू का अर्थ आप के रूप में हो या आप लोग के रूप में हो, तुम के रूप में हो या तुम लोग के रूप में, हमेशा ये प्लूरल वर्ब ही लेगा हर जगह हर जगह। आई तो सिंपल पास्ट टेंस में जाकर सुधर भी जाता है, आई वाज हो जाता है, लेकिन यू जो है वो हर जगह प्लूरल ही लेगा, क्योंकि यू जो है उसका सिंगुलर भी, यू को का अर्थ सिंगुलर भी निकलता है और प्लूरल भी निकलता है। अब थोड़ा सा हम लोग आगे चलेंगे, होमोसाइनस के रूप में देखेंगे, तो आप भोर में उठते हैं, तो आप भोर में उठते हैं का इंग्लिश होगा यू अराइव एट डाउन, यू अराइव एट डाउन, भोर में उठते हैं। अब थोड़ा सा आगे चलते, लकी तख्ता आरी से चिपता चीरता है, लकी तख्ता आरी से चीरता है, लकी सॉल बी प्लान, लकी सॉल बी प्लान, सॉ मतलब आरी से चीरना। माँ अपने शिशु को कसकर थामती है, माँ अपने शिशु को कसकर थामती है, मदर क्लिंग्स ऑन टू हर बेबी। मैं पेंटिंग के लिए नीलामी में 20,000 रुपए की बोली बोलता हूं। अब नीलामी में बोली बोलने के लिए बेड का यूज होता है, तो आई बेड 2,000 रुपीज फॉर द पेंटिंग। नंबर फाइव में देखिए, होम असाइनमेंट्स के रूप में वे लोग गुस्से में एक दूसरे से गाली गलौज करते हैं, दे फ्लिंग इंसल्ट्स एट ईच अदर, दे फ्लिंग इंसल्ट्स एट ईच अदर। थोड़ा सा आगे चलते हैं हम लोग, अगर एक से अधिक होंगे तो वन अनदर हो जाएंगे, और दो है तो ईच अदर, और दो से अधिक है तो वन अनदर। थोड़ा सा आगे चलते नोट करके देखें, यहां पे क्या बोल क्या लिखा हुआ है,
वी वन हमेशा प्लूरल होता है तथा इसमें एस या यस लगते ही यह सिंगुलर अर्थात वी फाइव हो जाता है। तो वर्ब जितने भी होते हैं वो मेन फॉर्म में हमेशा प्लूरल होते हैं, उसमें एस या यस लगा कर उसे सिंगुलर बनाते हैं, वी फाइव बनाते हैं। और याद रखिए कि नाउन जितने भी होते हैं ना वो हमेशा सिंगुलर होते हैं और उसमें एस या यस लगा करके उसे प्लूरल बनाते हैं। थोड़ा सा आगे चलते हैं हम लोग, वी निगेटिव स्ट्रक्चर्स में हम लोग देखते हैं। तो वी निगेटिव स्ट्रक्चर्स के अंतर्गत हम लोग क्या देखते हैं, इसका नंबर वन स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस डू प्लस नॉट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट इक्वल टू सब्जेक्ट प्लस डोंट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट। नंबर टू सब्जेक्ट प्लस डजंट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू सब्जेक्ट प्लस डजंट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट। याद रखिएगा, ओ यहां थोड़ा सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू सब्जेक्ट प्लस डजंट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए थोड़ा सा नोट करके देखते हैं। वन में डू डू कहां कहां लगेगा, तो डू का यूज जब भी करेंगे हम लोग तो आई वी यू दे दी दोस एनी पीसीएस, यानी डू का यूज जब भी हम लोग करेंगे तो वहां करेंगे जहां वी वन का प्रयोग करते थे, यानी डू का यूज करेंगे आई वी यू दे दी दोस और कोई भी प्लूरल का प्रयोग सब्जेक्ट के लिए। डज का यूज जब भी करेंगे तो हमेशा याद रखिएगा ही सी ए डिश दैट एनी यूएस एनी एससीएस अर्थात ही से ए डिश दैट प्लस कोई भी अनकाउंटेबल सब्जेक्ट या कोई भी सिमिलर काउंटेबल सब्जेक्ट के साथ डज का यूज करते हैं। चलिए थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको देख लेते हैं, छोटी लेकिन मोटी बात शक्तिमान। हमेशा स्मरण रखेगी डज नॉट के साथ सदैव वी वन का प्रयोग होता है, डज नॉट के साथ सदैव वी वन का प्रयोग होगा। याद रखिएगा कि कुछ लोग डज नॉट दो लगा नहीं करके डज ही डज नॉट दो कर देते हैं, तो ऐसा नहीं, डू का वी फाइव हो चुका है डज। तो जब हेल्पिंग वर्ब में ही हम लोग डज लिख चुके हैं तो उसके बाद वी वन ही आएगा हमेशा। अब थोड़ा यहां ध्यान देंगे, क्लास वर्क के रूप में आप फुटबॉल नहीं खेलते हैं तो ये बनेगा आप है तो यू से, तो यू डू नॉट प्ले फुटबॉल या यू डोंट प्ले फुटबॉल ये भी हो सकता है। वह बैडमिंटन नहीं खेलता, ही डज नॉट प्ले बैडमिंटन। मैं पढ़ाता नहीं हूं, आई डू नॉट टीच। पूजा और अंजलि नहीं चिल्लाती है, पूजा और अंजलि डू नॉट क्राई। पिताजी या चाचाजी ऑफिस नहीं जाते हैं, फादर अंकल डज नॉट गो टू ऑफिस। वे गांव में नहीं रहते हैं, दे डू नॉट लिव इन विलेज, दे डू नॉट लिव इन विलेज। वह रोज 4 बजे नहीं उठती है, शी डज नॉट गेट अप एट 4 o'clock डेली।